विच आर फॉल्स। हम इनको एक एक करके बच्चों देखेंगे। सबसे पहले ए पार्ट है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो वन से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। तो इनमें सबसे छोटा होता है वन, है ना। नेचुरल नंबर वन से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सबसे छोटा है वन। लेकिन ये कहते हैं जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू नहीं हुआ ना, ये हुआ फॉल्स। ये क्या हुआ? फॉल्स। तो पहले का जो उत्तर है वो है फॉल्स। इसके बाद बी भाग है, 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। बच्चों प्रेडिसेसर का मतलब होता है पिछला नंबर। पी से मैं इसको ऐसे याद रखता करवाता हूं बच्चों को कि पी से प्रेडिसेसर, पी से पिछला, प प्रेडिसेसर पिछला, प्रेडिसेसर पिछला। तो 399 से पहले वाला नंबर वो तो होना चाहिए, 399 से पहले वाला नंबर यानी इसमें से 1 माइनस कर दो तो वो तो आया 398। लेकिन ये कहते हैं कि 400 है 399 का प्रेडिसेसर, जो कि गलत है। तो ये इसका भी जो उत्तर आ गया वो आ गया फॉल्स। इसका भी जो उत्तर आ गया वो आ गया फॉल्स। इसके बाद जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब जो होल नंबर है, होल नंबर्स, एनओ मतलब नंबर, होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे गिनती चलती ही जाती है ये। तो इन्होंने कहा जीरो इज द स्मॉलेस्ट। क्या इस होल नंबर में सबसे छोटा जीरो है? हाँ है। इसका मतलब यह जो आंसर है वो है ट्रू, ये है सत्य। ओके उसके बाद नेक्स्ट है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर का मतलब होता है अगला नंबर। तो 599 से अगला नंबर यानी इसमें 1 प्लस कर दो, 9 + 1 = 10 हासिल आया 1, 9 + 1 = 10 हासिल आया 1, 5 + 1 = 6, 600 आया, यहां भी लिखा है 600। इन्होंने कहा था 600 599 का सक्सेसर है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये जो उत्तर है ये भी हमारा आ गया ट्रू। ठीक है बच्चों, आइए इसके बाकी भाग देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से, और जो होल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। आगे तक गिनती दोनों की चलती है। तो क्वेश्चन है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है, 1 क्या ये होल नंबर्स में है? हाँ। 2 ये भी है, 3 ये भी है, 4 ये भी है, 5 ये भी होल नंबर है। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स भी हैं। तो इसका मतलब ये उत्तर जो है ये ट्रू है। अगला भाग है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। सभी होल नंबर्स नेचुरल हैं। देखो 5 होल नंबर है, क्या ये नेचुरल है? हाँ। 4 हाँ, 3 हाँ, 2 ये भी है, 1 ये भी है, 0 0 होल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन ये तो कहते हैं जितने होल नंबर है सारे नेचुरल होने चाहिए। नो, 0 ने होल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो इन्होंने लिखा है ये गलत लिखा है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए। दिस इज फॉल्स। उसके बाद अगला है, देखिए द प्रेडिसेसर ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। इसका मतलब मान लो कोई भी एक 2-डिजिट नंबर है, जैसे 65, इसका प्रेडिसेसर होगा 64, 62 इसका प्रेडिसेसर होगा 61, है ना। तो ये कहते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक 2-डिजिट नंबर हो और उसका पिछला नंबर भी 1-डिजिट का हो, ऐसा नहीं हो सकता। गलत। देखो हमारे पास एक नंबर है 10, इससे पिछला नंबर क्या है? 9। यहां है 2-डिजिट, यहां है 1-डिजिट। इन्होंने कहा था ऐसा नहीं हो सकता कि 2-डिजिट वाले नंबर का प्रेडिसेसर 1-डिजिट वाला हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमने दिखाया कि ऐसा हो सकता है। इसका मतलब इनकी बात गलत है। दिस इज फॉल्स। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है, देखो 1 इज द स्मॉलेस्ट, एच भाग है, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अब देखो हमने जहां पे नेचुरल नंबर की लिस्ट करी, नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सबसे छोटा क्या था? 1। यही ये कह रहे हैं कि 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, तो यह बात इनकी ट्रू है। बच्चों समझ के करने हैं सारे, रट्टा नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं याद करना है, समझना है हमने। इसके बाद
आई भाग है द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रेडिसेसर। देखिए प्रेडिसेसर का मतलब उससे पहला, नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ये नेचुरल नंबर ऊपर वाले 1, 2, 3, 4, 5, वो कहते हैं 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। नेचुरल नंबर्स में 1 से पहले कुछ नहीं आता, वेरी राइट है ना, नेचुरल नंबर ऊपर वाले हैं बेटा, इसमें 1 से पहले कुछ नहीं आता, तो यही कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, तो दिस इज ट्रू, सही है। ऐसे ही ये कहते हैं होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर। अब होल नंबर्स देख लेते हैं, होल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये कहते हैं होल नंबर्स में 1 का पहले कोई नहीं नंबर आता, लेकिन हमें तो यहां दिख रहा है 1 से पहले क्या आता है 0, इसका मतलब इन्होंने कहा कि 1 से पहले कोई नंबर नहीं आता होल नंबर्स में, लेकिन हमें लगता है, हमने देखा कि 1 से पहले 0 आता है, इसका मतलब इनकी बात गलत है, तो दिस इज फॉल्स। उसके बाद है होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, इन्होंने कहा कि 13 जो है ये 11 और 12 के बीच में आता है, लेकिन हमें तो पता है कि 13 12 के बाद आता है, तो इनकी ये जो बात है कि होल नंबर 13 11 और 12 के बीच में आता है, दिस इज फॉल्स। और इसके बाद है होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। इन्होंने कहा ये जो होल नंबर्स है, देखो होल नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, 0 से पहले कोई नंबर नहीं आता, हाँ ये बिल्कुल सच बात है, तो ये हो गया ट्रू, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसका लास्ट भाग है एम, द सक्सेसर ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2-डिजिट नंबर। सक्सेसर मतलब अगला नंबर, तो जैसे एक नंबर है मान लो 12, उसका सक्सेसर होगा 13, मान लो एक नंबर है 50, उसका सक्सेसर होगा 51। ये कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि, ये कहते हैं कि हमेशा ही ऐसे, यहां 2 डिजिट्स हैं तो यहां भी 2 डिजिट्स ही होंगे, जरूरी नहीं है। देखो मैं एक संख्या लिखता हूं 99, इससे अगला नंबर क्या होगा 100, इसका मतलब 99 का सक्सेसर क्या है 100, 99 में डिजिट्स हैं 2, यहां डिजिट्स हैं 1, 2, 3, लेकिन इन्होंने तो कहा था कि हमेशा ही 2-डिजिट नंबर का सक्सेसर 2 डिजिट्स ही होंगे, इसका मतलब इनकी यह बात गलत है, यह है फॉल्स, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने जो ट्रू फॉल्स किए, आप इनको ध्यान से समझिए, बिना समझे सिर्फ ट्रू फॉल्स याद नहीं करना, हर एक को समझकर आपने याद करना है और इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।